क्वेश्चन नंबर 1.20 नेक्स्ट हम देख रहे हैं, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इतना है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू -1.0 इंटू 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। अब नेगेटिव चार्ज मतलब कि इनवर्ड फ्लक्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या, जैसे ये आपका स्फीयर है ओके, और स्फीयर के सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज रखा होगा तब फ्लक्स इनसाइड होगा, नेगेटिव चार्ज का मतलब इनसाइड फ्लक्स ओके, है ना। फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है, एक स्केलर फिजिकल क्वांटिटी है, तो वो नेगेटिव बताएगा कि इनसाइड फ्लक्स, पॉजिटिव बताएगा कि आउटसाइड फ्लक्स ओके। ऑफ रेडियस, इसका रेडियस क्या है, थ्रू द गॉशियन स्फेरिकल गॉशियन सरफेस ऑफ रेडियस आर इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ओके, रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर है, उसके सेंटर पर चार्ज क्यू रखा हुआ है। इफ द रेडियस ऑफ गॉशियन सरफेस वर डबल्ड हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द गॉशियन सरफेस। तो यहाँ पर अगर हम गॉस लॉ की बात करें, अगर हम गॉस लॉ की बात करें तो गॉस लॉ के अकॉर्डिंग, गॉस लॉ के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, क्यू इनसाइड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, और ये टोटल फ्लक्स गॉशियन सरफेस की शेप पर, उसके रेडियस पर, उसके साइज पर डिपेंड नहीं करता है। तो ए का आंसर जो होगा रिमेन सेम ओके, फ्लक्स रिमेन सेम ओके। फ्लक्स कितना होगा, फाइ इज इक्वल टू -10 × 10^3 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम ओके। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द साइज ओके। ए पार्ट सॉल्व हुआ, है ना, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, सिंपल सा आंसर वही आएगा, पर यहाँ पर ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता। जब हम टेस्ट लेते हैं, बच्चों का एग्ज़ाम लेते हैं, और उनको अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता होता तो मैक्सिमम स्टूडेंट लिखते हैं कि फ्लक्स बिकम डबल, या फिर आर स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो वो 4 times हो जाएगा, पर ऐसा नहीं होता है। फ्लक्स चार्ज पर डिपेंड करता है, अमाउंट ऑफ चार्ज पर डिपेंड करता है, और फ्लक्स चेंज नहीं होगा। बी पार्ट हम देखते हैं, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज। तो गॉस लॉ हमको समझ में आ रहा है कि क्यू इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट टाइम्स फाई, और एप्सिलॉन का वैल्यू हमको पता है, एप्सिलॉन का वैल्यू होता है 8.85 × 10^-12 ओके इंटू -10 × 10^3। तो अल्टीमेट हमको मिलेगा -88.5, क्योंकि इनका मल्टीप्लाई जब होगा × 10^, यहाँ पर मिलेगा -9 ओके। तो हम लिख सकते हैं -88.5 nC ओके, दैट इज़ द वैल्यू ऑफ चार्ज एंड इट इज़ नेगेटिव चार्ज ओके। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इट इज़ नेगेटिव चार्ज बिकॉज फ्लक्स इज नेगेटिव।